दोस्तों नमस्कार। आज अपन विशेषण के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे कि विशेषण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण क्या है? विशेषण शब्द तो वो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अथवा वे संज्ञा या सर्वनाम की मतलब गुणदोषों का वर्णन करते हैं, गुणदोषों का बोध कराते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ विशेषण हैं जो इस प्रकार से हैं। यानी विशेषण जो है, अब यहाँ पर परिभाषा दी है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी गुण दोषों का बोध कराए विशेषण कहलाते हैं। विशेषण, ये विशेषण का एक काम यह भी है कि किसी व्यक्ति के मन में एक प्रकार की जिज्ञासा उठती है, उस जिज्ञासा का मतलब समाधान करते, जैसे हृदय या मन में अपने ये विचार उत्पन्न हुए कि व्यक्ति कैसा है, तो कैसा है ये अपने मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उत्तर मिलता है व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, इस प्रकार से जिज्ञासा का समाधान भी करता है। विशेषण का अर्थ है गुण दोषों का उल्लेख करना। अब विशेषण कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण यानी प्रकार, विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। कुछ विशेषण इस प्रकार है। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाण, परिमाणवाचक वाचक विशेषण। और चौथा है संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ये चार मेन हैं। इसके अलावा भी और विशेषण हैं जो आगे अपन पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं अपन गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का उल्लेख करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेषण दिए जा रहे हैं जो इस प्रकार है। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु वा वस्तु के रंग
अवस्था स्थिति स्थिति गुण स्थिति स्थिति स्वभाव स्वभाव आदि का बोध कराते हैं कुछ विशेषण बोधक शब्द हैं जो इस प्रकार हैं। पहला रंग, पहला है रंग। रंग तो रंग के अंतर्गत जैसे गाय काली है या मतलब तितली पीली है, फूल कमल का फूल गुलाब का फूल यह रंग जो है, तो इस प्रकार से रंग रंग के अंतर्गत काला पीला नीला काला पीला नीला आदि, तो ये वाक्य में ये शब्द आएंगे तो ये शब्द जो है विशेषण है। इसी प्रकार से दूसरा है काल बोधक। काल में प्राचीन काल आधुनिक काल आदि ये हो गए, यानी काल से संबंधित। अब इनको उदाहरण भी पढ़ेंगे और उसके बाद में है गंधबोधक के अंतर्गत है सुगंधित खुशबूदार खुशबूदार आदि। इस प्रकार से ये शब्द जो है विशेषण बोधक है, विशेषता बतलाते हैं। इस प्रकार से ये गुण बोधक विशेषण कहलाते हैं। अब उदाहरण देखो, यहाँ पर उदाहरण दिया है उदाहरण कि मुझे लाल लाल टमाटर बहुत प्रिय है, तो ये क्या है कि टमाटर कैसा है, लाल है, तो लाल लाल टमाटर जो है बहुत प्रिय है, यानी लाल टमाटर एक प्रकार टमाटर की विशेषता बता रहा है, टमाटर कैसा है, लाल है, तो इस प्रकार से ये टमाटर लाल है ये विशेषण, इसमें लाल शब्द जो है विशेषण मतलब टमाटर की विशेषता है। तो इस प्रकार से ये शब्द जो आते हैं इन्हें विशेषण कहा जाता है। अब इसके बाद में दूसरा विशेषण है संज्ञा बोधक। अब जैसे गुण बोधक विशेषण जो है इसके अंदर व्यक्ति के गुण और दोष अच्छाई या बुराई आती है। जैसे अगर गुण बोधक है दोष बोधक है, तो गुण के अंतर्गत अच्छा है और क्या नाम से बुराई के बुरे के अंतर्गत बुराई आ जाती है। इस प्रकार से गुण दोष या अच्छे बुरे, इस प्रकार से गुण बोधक शब्द है। और इसके बाद में आता है दूसरा विशेषण संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण हैं जो किसी संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द व्यक्ति
विशेषों की निश्चितता, यानी जो शब्द विशेष 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 मतलब संज्ञा या सर्वनाम, विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम, इनकी संख्या का बोध कराते हैं। विशेष इनकी संख्या का, विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। अब ये संख्या जो है निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। जब जो शब्द विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम की एक निश्चित संख्या बताते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, तो वो निश्चित वाचक विशेषण कहलाता है। निश्चित वाचक संख्या जो है वो निश्चय बोधक विशेषण का बोध कराते हैं। ये निश्चय इसके अंतर्गत यानी संख्या वाचक के अंतर्गत दो विशेषण हैं। पहली है निश्चयवाचक और दूसरी है अनिश्चित वाचक। ये दो है। जब जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की एक निश्चित संख्या का बोध कराता है तो वह निश्चयवाचक विशेषण कहलाता है, और जब अनिश्चित यानी अनिश्चित वाचक संख्या का बोध कराता है वह अनिश्चित वाचक बोधक कहलाता है। निश्चित में मतलब जैसे चार लड़के खेल रहे हैं उस मैदान में पांच लड़के खेल रहे हैं, तो ये एक प्रकार की निश्चित संख्या है। और जब इसी को बोलते हैं कि उस मैदान में कुछ छात्र खेल रहे हैं या उस मैदान में कुछ छात्र क्रिकेट खेल रहे हैं या मतलब हॉकी खेल रहे हैं, तो इस प्रकार से कुछ या कोई ये जो शब्द आए वहाँ पर अनिश्चित वाचक विशेषण होगा, और जहाँ निश्चित संख्या प्रदर्शित की जाए वह निश्चित वाचक विशेषण कहलाएगा। यह हो गया संख्यावाचक। संख्यावाचक के अंतर्गत कुछ और भी विशेषण हैं जो इस प्रकार के हैं। गणनावाचक, अब इसके अंतर्गत गणनावाचक विशेषण भी आता है। गणनावाचक पहला तो हो गया निश्चय और अनिश्चित वाचक, और ये दूसरा हो गया गणनावाचक। तो गणनावाचक यह अपने विशेषत्वों की साधारण संख्या गिनती बताता है। यदि दो प्रकार के होते हैं पूर्ण और अपूर्ण, तो यह सब मतलब क्या है संख्या से संबंधित है, इसीलिए इन्हें सब एक प्रकार की यह संख्यावाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक जो शब्द विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा माप का बोध कराए वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे परिमाणवाचक यानी किसी मात्रा का बोध कराना, तो परिमाण वाचक के अंतर्गत चार किलो जैसे किसी काम के लिए कोई मतलब जैसे अब किसी को भोजन कराना है तो के मतलब बताया कि उस फंक्शन उस मतलब कार्यक्रम में पाँच किलो अनाज भोजन के लिए ज़रूरी है या छः किलो अनाज
भोजन के लिए जरूरी है। इस प्रकार से मतलब मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाण बताते हैं कि इतने इतने का यह हुआ, इतने इतने की मात्रा लगेगी। तो इस प्रकार से मतलब यह परिमाण वाचक कहलाते हैं। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए है, बच्चे भूखे हैं, बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। तो यह इस प्रकार से मतलब एक मात्रा का बोध करा रहे हैं। ये शब्द जो है 4, 5 और क्विंटल, ये शब्द जो है वो एक मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आ गया संकेतवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण जो है वह है संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या है? संकेत यानी संकेत करना, इशारा करना। तो ये तीसरा चौथा विशेषण है संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक वे शब्द जो किसी की ओर अर्थात विशेष के अलावा दूसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत यह और वह शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह गाय काली है, वह लड़का मैदान में खेल रहा है, तो इसके अंतर्गत यह और वह ये दो शब्द आते हैं। अब वाक्यों में विशेषण के स्थानों के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया, सामान्य विशेषण और विधेय विशेषण।
तो सामान्य विशेषण काली गाय बहुत सुंदर लगती है, यह सामान्य मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मरता, तो काली और मेहनती यह सामान्य विशेषण कहलाए। तो इस प्रकार से यह सामान्य और विधेय विशेषण यही ये विशेषण ये भी विशेषण है। यह हो गया चौथा विशेषण संकेतवाचक विशेषण। अब इसके अंतर्गत और भी विशेषण हैं जो इस प्रकार से हैं। अब सामान्य विशेषण वह विशेषण है जो विशिष्ट के पहले आता है, वह सामान्य विशेषण कहलाता है। जैसे काली गाय और मेहनती आदमी, तो काली और मेहनती ये विशेष संज्ञा या सर्वनाम के पहले आए हुए हैं, इसीलिए ये सामान्य विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा है विशेष विधेय। जिस विशेषण का प्रयोग अपने विशेष्य के बाद में आए वह विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे आदमी बड़ा मेहनती था या गाय बहुत काली है। यानी जो सामान्य विशेषण में क्या होता है कि विशेषण पहले आता है, और विधेय विशेषण में विशेषण जो है वो बाद में आता है। तो यह सामान्य और विधेय विशेषण की पहचान है। यानी विशेषण जब वाक्य में पहले आए तो वह सामान्य विशेषण होगा, और जब विशेषण वाक्य के मतलब बाद यानी विशेष संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आए तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। अब उसके बाद में अब यहाँ पर दिया है कि कुछ शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहलाते हैं। अब अंतर विशेषण क्या है? विशेषण ये विशेषण वे विशेषण हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। यानी प्रविशेषण और अंतर विशेषण दोनों एक ही है, पर ये वे विशेषण हैं जो संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, वो अंतर विशेषण या प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे विश्वजीत डरपोक लड़का है, ये हुआ प्रविशेषण है। और सौरभ धीरे धीरे पढ़ता है, ये मतलब धीरे धीरे यानी ये क्रिया है विशेषण है, और पढ़ना जो है वो विशेषण है। तो विश्वजीत धीरे धीरे या सौरभ धीरे धीरे पढ़ता है, तो धीरे धीरे जो है वो विशेषण है, वो प्रविशेषण, और धीरे पढ़ता है वो क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का बोध क्रिया विशेषण की विशेषता बतला जाएगा धीरे धीरे शब्द। और बड़ा डरपोक विशेषण की और बहुत शब्द धीरे धीरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के कारण सविशेषण हुआ। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के साथ साथ क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाते हैं। अब इस प्रकार से अब विशेषणों की तुलना यानी विशेषणों की तुलना कैसे की जाती है। जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेष्यों के गुण दोषों की तुलना की जाती है उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि तुलना बोधक प्रविशेषण, तुलना बोधक विशेषण, सामान्य और विधेय विशेषण। तो इस प्रकार से ये विशेषणों के प्रकार का वर्णन हो रहा है।
पहला कौन सा था? गुणबोधक, दूसरा था संख्या बोधक, तीसरा था परिमाण बोधक, चौथा संकेत वाचक, फिर उसके बाद में आया सामान्य विशेषण और विधेय विशेषण, फिर प्रविशेषण, फिर उसके बाद में आया आपका तुलनात्मक बोधक। तुलनात्मक बोधक वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक विशेष्यों की विशेषता बतलाते हैं। जैसे जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेष्यों के गुण और गुणों की तुलना की जाती है उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों में मात्रा का अंतर होता है। तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती है। तुलनात्मक विशेषण के अंतर्गत तुलनात्मक दृष्टि से पदार्थों या व्यक्तियों की मात्रा का अंतर होता है और तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती है। तुलना के तुलना के आधार पर विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। तीन अवस्था होती है। पहली है मूल अवस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। ये तीन अवस्थाएं हैं। अब पहले अपन लेते हैं मूल अवस्था। तो मूल अवस्था, इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप आता है। इस अवस्था में तुलना नहीं होती, समान विशेषताओं का उल्लेख होता है। जैसे अंशु अच्छी लड़की है, अंशु सुंदर है। तो मूल अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें विशेषणों का मूल रूप आता है। ये मूल अवस्था विशेषण की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत विशेषण की विशेषण का मूल रूप आता है। मूल रूप आता है। जैसे अंशु अच्छी लड़की है, उदाहरण अंशु अच्छी लड़की है। तो अच्छी जो है
ये विशेषण का मूल रूप है। अच्छी, अच्छे, अच्छा, ये जो है, जो शब्द जो है वह विशेषण का मूल रूप है। तो ये मूल अवस्था है। उदाहरण के रूप में विशेषण यानी विशेषण की परिभाषा, जो मूल अवस्था है विशेषण की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत विशेषण का मूल रूप आता है। ये इसमें बताया गया है मूल अवस्था किसे कहते हैं। तो ये बताया गया है कि विशेषण की मूल अवस्था वह है जिसके अंतर्गत विशेषण का मूल रूप आता है। जैसे उदाहरण, अंशु अच्छी लड़की है। उसके बाद दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या है? उत्तरावस्था जब व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकतम या न्यूनतम की तुलना होती है तब उसे उत्तरावस्था कहते हैं। यानी उत्तरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति या वस्तु की अधिकतम और न्यूनतम गुण दोषों का बोध होता है या बताया जाता है, वह उत्तरावस्था कहलाती है। हिंदी में उत्तरावस्था अवस्था का कराने से और मैं चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बोध कराने के लिए से और मैं चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैं और से शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दिया है कि हिंदी में उत्तरावस्था के अंतर्गत मैं या से शब्द का प्रयोग होता है। जैसे बच्ची फूल से भी कोमल है, इन दोनों लड़कियों में वह सुंदर है। इस प्रकार से ये से और मैं का प्रयोग होता है। विशेषण के उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए के अलावा, की तुलना में, के मुकाबले आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। पटना के मुकाबले जमशेदपुर अधिक स्वच्छ है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि विशेषण की उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए के अलावा, की तुलना में, के मुकाबले आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। उत्तरावस्था मैं से के अलावा, मैं शब्द और से शब्द के अलावा भी इस अवस्था में अवस्था का बोध कराने के लिए के अलावा की तुलना में और के मुकाबले आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पटना के मुकाबले जमशेदपुर अधिक स्वच्छ है। अब यहाँ पर के मुकाबले ये आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर उत्तरावस्था है। संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी कम कठिन है। आपके अलावा वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। ये इस प्रकार से ये तीनों शब्दों का उदाहरण के द्वारा प्रयोग करके बताया गया है। अब तीसरी अवस्था जो है वह उत्तमावस्था। यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उनमें से एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है तब विशेषण की उत्तमा अवस्था कहलाती है। यहाँ पर क्या दिया है? उत्तमा अवस्था के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है और उनमें से एक को श्रेष्ठता या निम्नता दर्शाई जाए, बता दी जाती है, तुलना निम्नता दी जाती है तब विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे कपिल सबसे या सबों में अच्छा लड़का है। यानी यहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उसमें से किसी एक की
श्रेष्ठता या वो उसके अधिक मतलब अधिकतम या न्यूनतम तुलना का वर्णन किया जाता है वह उत्तमावस्था कहलाती है। तत्सम शब्दों की उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे सुंदरतम है आदि। श्रेष्ठ के पूर्व सर्व जोड़कर भी इसकी उत्तमावस्था दर्शाई जाती है, जैसे नीरज सर्वश्रेष्ठ लड़का है। फारसी के प्रत्ययों को जोड़कर भी उत्तमावस्था दर्शाई जाती है। अब इसके बाद आता है विशेषणों का रूपांतरण। इसके बाद क्या आता है? विशेषणों का रूपांतरण। तो विशेषणों का रूपांतर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। विशेषणों का रूपांतरण, रूपांतरण यानी रूप, विशेषणों का रूपांतरण यानी परिवर्तन का रूपांतरण या परिवर्तन, ये विशेषणों का रूपांतरण। अब विशेषण अपने विशेष संज्ञा के अनुसार अपने रूपों को परिवर्तित करता है। इसके अंतर्गत विशेषण अपने विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अंतर्गत अनुसार अपने रूपों को परिवर्तित करता है। विशेषण अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है, बाकी सभी विशेषण दोनों लिंगों में समान रूप से बने रहते हैं, जैसे मुखिया दुखिया आदि। विशेषणों के रूपांतर के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। अब यहाँ पर विशेषण के रूपांतर यानी परिवर्तन करने के कुछ नियम है। अरे विशेषणों का रूपांतरण क्या है? विशेषण अपने विशेष के अनुसार रूपांतरण यानी परिवर्तन करते हैं। इसका एक नियम यह है कि इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग इकारांत अकारांत आकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है, स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है। बाकी सभी विशेषण दोनों लिंगों में समान रहते हैं। बाकी सभी विशेषणों में दोनों लिंगों में स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों में समान रहते हैं। जैसे दुखिया मुखिया आदि विशेषणों के रूपांतर। अब विशेषणों के रूपांतर के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। अब विशेषणों के विशेषणों के
परिवर्तन के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। पहला नियम है, जिन विशेषण शब्दों के अंत में या रहता है उनमें लिंग के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर पहला नियम यह है कि जिन विशेषण शब्दों के अंत में या रहता है उनमें लिंग के कारण यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता यानी ये दोनों लिंगों में समान रहते हैं। दूसरा है, जैसे उर्दू के उम्दा ताजा जरा जिंदा आदि विशेषणों का भी अपरवर्त आदि विशेषणों का भी रूप परिवर्तन नहीं होता ये इस प्रकार से परीक्षाओं में भी इस प्रकार से पूछा जाता है। आपको उदाहरण दे देंगे या शब्द लिख देंगे, ये शब्द क्या परिवर्तित है या अपरिवर्तित है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देंगे, तो आपको उसमें से आपको छांट करके लिखना पड़ेगा कि ये शब्द परिवर्तनशील है और ये शब्द परिवर्तनशील नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से भी इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। अब तीसरा जो है, संकेत वाचक विशेषण के रूप भी विशेषों के अनुसार ही होते हैं। तीसरा है, सांकेतिक यानी सार्वनामिक विशेषणों के रूप भी विशेष्यों के अनुसार ही होते हैं होते हैं होते हैं
अब उसके बाद में अब जैसे यहाँ पर दिया उदाहरण कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये इस प्रकार की ये सांकेतिक विशेषण हैं, सार्वनामिक इनको कहते हैं। तो सांकेतिक विशेषणों के रूप परिवर्तन भी विशेष्यों के आधार पर होते हैं। चौथा है जो तद्भव विशेषण आ नहीं रखते उन्हें इकरण नहीं किया जाता है, वह दोनों लिंगों में भी वैसा ही रहता है, ये चौथा है। और पांचवा है जब किसी विशेषण का जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तब वह स्त्री पुरुष भेद बराबर स्पष्ट रहता है, जैसे उस सुंदरी ने पृथ्वीराज चौहान को ही वर्ण किया। चौथा है जो तद्भव जो तद्भव विशेषण आ नहीं रखती, आ शब्द नहीं रखते, आ नहीं रखते उन्हें इकरांत नहीं किया जाता है, उन्हें इकरांत यानी स्त्रीलिंग नहीं किया जा सकता, इकरांत नहीं किया जा सकता है, अर्थात वे दोनों लिंगों में समान रहते हैं, अर्थात ये रूप ये दोनों लिंगों में समान रहते हैं। ये चार। अब उसके बाद में अगला है पांचवा, जब किसी विशेषण का जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है। पांचवा है जब किसी विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तब स्त्री पुरुष भेद बराबर स्पष्ट रहता है, तब स्त्री पुरुष का भेद बराबर स्पष्ट रहता है। जैसे उस सुंदरी ने पृथ्वीराज चौहान को ही वरण किया। तो यहाँ पर ये सुंदरी स्त्री लिंग है और पृथ्वीराज जो है पुरुष लिंग है, तो यहाँ पर
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्री और पुरुष के जो मतलब अंतर है वो जो स्पष्ट है, भेद जो है वो स्पष्ट है, इसीलिए का इसमें बताया है कि जब किसी विशेषण का जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तब वह स्त्री और पुरुष का भेद बराबर स्पष्ट रहता है। सुंदरी, यहाँ पर सुंदरी शब्द जो है जो ये क्या है, विशेषता है, सुंदर है तो ये विशेषता है, तो ये मतलब एक प्रकार से संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो गया। सुंदरी मतलब लड़की की जगह पर मतलब इसको सुंदरी को लिया, तो ये मतलब संज्ञा के बदले में आया हुआ शब्द है, इसीलिए सर्वनाम है और सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, तो ये मतलब संज्ञा या सर्वनाम की तरह मतलब प्रयोग होता है तब स्त्री और पुरुष का भेद बराबर रहता है। जैसे उस सुंदरी ने पृथ्वीराज चौहान को ही वरण किया, तो ये हुआ अपना पांचवा नियम। अब है छठवा, जिन विशेषणों के अंत में वान या मान होता है उनके पुल्लिंग दोनों वचनों में वान या मान और स्त्रीलिंग दोनों वचनों में वती या मती होता है। अब छठवा जो है, छठवा नियम जो है वह है ये है, जिन विशेषणों के अंत में जिन विशेषणों के अंत में वान या मान आता है उनका स्त्रीलिंग में मति या बती हो जाता है। जैसे वह लड़का भाग्यवान है, जैसे वह लड़का बड़ा भाग्यवान है। अब इसका स्त्रीलिंग में कैसे आ जाएगा, जैसे वह लड़की बड़ी भाग्यवती या मती है, ऐसा आ जाएगा। तो ये मतलब ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग जब पुल्लिंग का अपन स्त्रीलिंग में मतलब प्रयुक्त वाक्य प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो यह भागवान की जगह पे भागवती हो जाएगा या भागमती हो जाएगा। तो ये जिन विशेषणों के अंत में वान या मान आता है उनका स्त्रीलिंग में मति या वती हो जाता है, तो ये छठवां नियम है। गुणवान लड़का यह एक वचन और गुणवान लड़के बहुवचन, इस प्रकार से गुणवती लड़की एक वचन और गुणवती लड़की बहुवची हो जाएगा। अब जैसे अब ये विशेषण चैप्टर जो है पूर्ण हुआ, तो विशेषण क्या है, विशेषण
जो शब्द विशेष यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। और उसके बाद अपन ने विशेषण के प्रकार का उल्लेख किया और विशेषण के मतलब नियम बनाने के और उसके बाद विशेषण का अंतर आदि का उल्लेख किया। इसमें जो आपको समझ में नहीं आया हो उसे अवगत कराएं ताकि उसको फिर से दोहराया जा सके।